हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का क्या टॉपिक है, यस कीजिए। जब जब मियाँ बीबी में तकरार होती है, मियाँ बाहर सोता है, बीबी अंदर सोती है। जी हाँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन का रात, आज रात को आपके पर्सन का मूड कैसा होगा, यानी कि आपके पर्सन की आज रात की नाइट फीलिंग कैसा मूड होगा आज उनका। चलिए देखते हैं, ये मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है, जब जी चाहे इसे देख सकते हो। आज देखते हैं आपके पति का, आपके फ्रेंड का, आपका बॉयफ्रेंड का, जो आपके साथ रिलेशनशिप में है या जो जिनके साथ खट्टी मिट्टी नोक जोक चल रही है, तो आज रात वो किस मूड में रहने वाले हैं। लीजिए, पहला कार्ड आ गया। लीजिए, हम्म, छुपे रुस्तों में गाइस वो। लीजिए, बॉटम नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज, आज रात को आपके पर्सन का मूड कैसा रहने वाला है, तो आप पहला का बड़े छुपे रुस्तम है गाइज, वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, बहुत छुपे रुस्तम है। बातें दिल में दबा के रखते हैं, बाहर से बड़े कैड़े, अंदर से भी कैड़े, अब बताते नहीं है आपको कुछ भी। गाइज ये देखिए, ये कार्ड ये बताता है कि ये आप अपने आप को मिस करते हैं। आज ये अपने आप को मिस करेंगे रात को, उनकी आज की एनर्जी ऐसी है, ये आपको मिस करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपकी वो बातें याद करेंगे, और ये चाहेंगे कि बस सिर्फ आंखें भी बंद करूं तो वहां सिर्फ आप ही आप दिखाई दो। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे होंगे और कह रहे होंगे कि काश हमारी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाए, जो भी बीच में बाधाएं हैं रिश्तों को लेकर ठीक हो जाए और सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए और हमारी चीज़ें जो है आगे चली जाए। आपको स्टॉक करेंगे फ़ोन पे, हो सकता है आपको फ़ोन कॉल मैसेज भी आ जाए, आपको फ़ोन स्टॉक करेंगे उनका। जिन लोगों के कुछ का दिल ज़्यादा टूटा हुआ है, अगर उनका दिल ज़्यादा टूटा हुआ है तो वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आपके बगैर मिस करते हैं आपको। और देखिए, ये हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि अंदर से ज़्यादा ही लो एनर्जी, यानी कि नेगेटिविटी में है आपके पर्सन, अपने आप को अकेला फील करते हैं। और ये उन लोगों का होगा जो सेपरेशन या जिनके साथ खट्टी मीठी नोक झोंक है, उनके लिए ये कार्ड बताए जा रहे हैं कि
कि उनको ऐसा फील होगा अंदर से तनहा तनहा अकेले दिल दुखाया। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अगर आपका पीस पर्सन इस एनर्जी में है तो वो बहुत फील कर रहा है अपनी गलतियों को, अपनी जो मिस्टेक करी है, इसलिए वो आज रात की अगर एनर्जी को तो एकदम नेगेटिविटी लो एनर्जी में आपके पर्सन होंगे कि अब आगे रास्ता क्या करना है, कैसे जाना है अपने पर्सन के पास जो मेरी दुनिया है। बॉटम में भी देखिए नाइन ऑफ वॉन्ट्स आया है, ये बताता है कि सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, ये सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे और इनका ध्यान सिर्फ आपके बारे में है कि मैं आपके बारे में, ये सोचते हैं जब मैं अकेला हूँ तो मैं किसी और के बारे में सोचूं नहीं, सिर्फ आपके बारे में सोचूं, क्योंकि आपको ये अपनी दुनिया समझते हैं, आपको अपना वो चीज़ समझते हैं कि जैसे सुख समृद्धि सारी आप ही के साथ है, हंसना खेलना खुश रहना सिर्फ आपके साथ है, भले ही दिल दुखी हो और आपका चेहरा देख लेते हैं तो इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सेलिब कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कोविड की वजह से सेलिब्रेशन बना नहीं था और शादी मैरिज एंगेजमेंट किसी की चीज़ की तैयारियाँ रुकी हुई थी, तो वो तैयारियों के चक्कर में हैं कि रास्ते कैसे खुलें और मैरिज हो और शादी हो और बातें चीज़ें आगे जाएं। आप लोगों के पर्सन आपको स्टोक करेंगे, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन आपके सामने शो नहीं करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि वो छुपे रुस्तम है, और उनकी जो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि जिनको फैमिली का डर है, वो अंदर से अपने आप को लो फील करेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आगे जाती हुई नहीं दिख रही, लेकिन आप लोगों के पर्सन आपको मिस भी करेंगे और बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। देखिए मिस के कार्ड कितने आए हैं, 1 2 3 4, ये चारों कार्ड ये बताते हैं कि ये अंदर से बहुत आपको मिस करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन दुखी हैं सेपरेशन की वजह से या नोकझोंक की वजह से, लेकिन आपको मिस करते हैं। कि कुछ के पर्सन हो सकता है कंफ्यूज हो, अभी भी बात आगे बनती बनती रुकती रुक बन जाती है रुक जाती है, इस वजह से कंफ्यूज हो, सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ के पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको, रात को जब बैठेंगे फ़ोन में फेसबुक में व्हाट्सएप में आपको देखेंगे। कुछ का दिल जो है बुरी तरह से टूटा हुआ है, मुझे लगता है कि आपका साथ सेपरेशन फेस का सामना कर रहे हैं और इस वक्त रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपने दिमाग के घोड़े चढ़ा के कि सोच रहे हैं कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जिधर आपके तरफ के दरवाजे खुल जाएं। ये पर्सन जो है आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, कोई ख़राब नहीं सोच रहा, सेलिब्रेशन का सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं और रोमांटिक वे में भी थोड़ा सा इनका आ रहा है, जैसे ये सेलिब्रेशन आया कि थोड़ा इनका मूड है कि हमारी जल्दी शादी हो जाए ताकि आप उनके पास आओ और आप उनके पास रहो, और ये अपने जो अकेलेपन का, जैसे इसमें बॉटम में दिखाया कि यहाँ अकेले हैं वो, अब सबके होते हुए भी तो इनका अकेलापन दूर हो, अकेलापन दूर होगा तो इनको संतुष्टि मिलेगी। बहुत मिस करते हैं आपको, आपको अपनी दुनिया समझते हैं, कहते हैं कि बस चीज़ें आगे चली जाए, अपने सेलिब्रेशन हो जाए और आप उनकी लाइफ पार्टनर बन जाओ। और कुछ सोचेंगे जिनके रास्ते बंद है, जिनके साथ नोकझोंक है, वो अपना नोकझोंक के बारे में सोचेंगे, रास्ते का देखेंगे कि कैसे खुलेंगे, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान जो है सिर्फ आपका है, आपकी तरफ है और फाइनेंस की तरफ है। फाइनेंस प्रॉब्लम होगी तो फाइनेंस का भी ज़रूर सोचेंगे कि कहाँ से लेना है, किससे सलाह लेनी है, किससे बात करनी है। और कुछ है कि दो तरफे हैं, हर वक्त अपनी दुविधा में पड़े रहते हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये आपके पर्सन का मूड जो है, मूड आपके पर्सन का अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? जिन लोगों के साथ सेलिब्रेशन का सोच रहे हैं वो अच्छा होगा, पर जो उदास है वो तो उदास है ही, सोचेंगे कि उदास हैं तो मिस करेंगे ही करेंगे। इसलिए ये मैंने रीडिंग बोली थी मैरिड और अनमैरिड सबके लिए है,
आपको मिस करेंगे, आपके लिए सपने देखते हैं, कहते हैं आंखें बंद करके सिर्फ आप ही आप उनको नजर आते हो, लेकिन कंफ्यूज इसलिए है कि उनको अपना रिश्ता जो है आगे लेके जाना है कि वो कैसे आएगा, क्योंकि उनका ध्यान जो है सिर्फ आपके तरफ है और वो चीज़ें मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। मैरिज तक चीज़ें जाएंगी तभी आगे बढ़ेंगी। एडवाइस चाहिए उनको एक ऐसे इंसान की जो बहुत अच्छा और समझदार हो, और खुद इतने समझदार हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं, कोई एंगेजमेंट हो या कुछ हो, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि दोबारा से उनका दिल टूटे। और रात को जब अकेले होते हैं आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, हैं पैशनेट है आपके लिए और आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, कहते हैं आप हो तो सब हो, अबेंडस है जिंदगी है, और एक वक्त ख़राब था जो ख़त्म हो गया, अब आगे चल के हमारा सही आएगा। छुपे रुस्तों में आपसे अपनी बातें बताते हैं, और जब अकेले होते हैं चाहे 10 के साथ भी बैठे हो, अपना अकेलापन उनका अपना ही है, यानी कि कितने जाने मर्जी हो, कितने मर्जी पास में बैठे हो, उनको अपना अकेलापन आपके बिना खटकता है, अकेले रहना उनको।